देखो पहले हम लोग न्यू टॉपिक्स थोड़ा और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग लास्ट क्लास का असाइनमेंट, तुम लोग करके आए हो ना सब असाइनमेंट? हाँ, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम लोग पीएमटी फंक्शन सीख चुके हैं कि क्या निकालने के लिए होता है पीएमटी, इंस्टॉलमेंट्स। अब वो क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, कैसे भी, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे गोल, गोल सीख। गोल सीख बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का, जो हर पॉइंट पे तुम लोग को CMN में काम आएगा, हर पॉइंट पे, ठीक है? तो विकास जी, तो देख लो ये वाला टेबल बना लो एक बार। तुम लोग को पूरा प्रॉपर टेबल बनाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट द जो भी अमाउंट्स है उसको लिख लो, पूरा टेबल का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये मेरे को चाहिए, इनकम लिख लो, सारे एक्सपेंसेस लिख लो, एंड सेविंग्स। सेविंग्स कैसे निकालोगे एक बार देख लो यहाँ पे, फिर करना। सेविंग्स कैसे निकालोगे? इनकम माइनस ये पूरे का सम, ठीक है? करो इनकम ये माइनस ये पूरे का सम शुड बी योर सेविंग्स। तो यहाँ पे सेविंग्स वाले सेल में तुम लोग ये वाला फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक है? करो जल्दी से, लिख लो, कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी सबका? ये पूरा टेबल नहीं बनाना है, बस फटाफट कलरिंग वलरिंग भी मत करना, तुम लोग को समझाने के लिए खाली, इजीली समझ पाओ। सेविंग्स में यूज़ किया ना ये वाला इक्वेशन? हाँ, नहीं टारगेट में सिंपली 55,000, ठीक है? कॉपी कर लो इसको जल्दी। सेविंग्स में होगा इनकम माइनस इस पूरे का सम, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है? तुम लोग को अगर एक और सेल ऐड करना है टोटल एक्सपेंस का, तो वैसे करके भी कर सकते हो, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। फिर जल्दी कॉपी करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट लगना चाहिए बस, इस पूरे चीज़ को टाइप करने में बस 1 मिनट लगना चाहिए। नहीं हुआ क्या तुम लोग का कॉपी? ठीक है चलो ट्राई करो ऐसा बनाने का। देखो ये कैसे बनेगा एक बार यहाँ ध्यान देना, अगर तुम लोग को करना है ऐसा सेम आउटपुट चाहिए, तो ये मैंने क्या यूज़ किया, सिंपली सेल्स सिलेक्ट करके होम टैब में यहाँ पे एक बॉर्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए, ठीक है? तो ये बॉर्डर्स वाला होम टैब अभी हटा देते हैं, ये मैंने यहाँ से किया। कलरिंग एंड ऑल यहाँ पे
होम टैब सब में अवेलेबल है। ये मैंने क्या किया, इसको इसको मैंने यहाँ पे जनरल से अकाउंटिंग में चेंज कर दिया। अकाउंटिंग में क्यों, क्योंकि अमाउंट सही है सारे मनी के टर्म्स में, तो इसीलिए मैंने अकाउंटिंग में सो इसको चेंज कर दिया। हाँ हाँ कर सकते, करेंसी भी, करेंसी भी कर दो, कोई इशू नहीं है, करेंसी कर दो। ठीक है, यहाँ तक आया सबका बना। बस ये सेविंग्स में प्लीज़ तुम लोग टाइप मत कर देना 54100, तुम लोग को ये पूरा इक्वेशन डालना है, इनकम माइनस सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, दिख रहा है ना पीछे से क्लियरली? ठीक है, अब हम लोग को देखो क्या करना है। क्वेश्चन में बोलेगा दिस इज माई आउटपुट, सेविंग्स इज माई आउटपुट, तो गोल सीक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या समझना होता है, क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बोल सकते हैं, ये सारा मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, सेविंग्स वाला सेल इज़ माई आउटपुट एंड बाकी सारे सेल्स आर माई इनपुट, ऐसे बोल सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट थिंग डन। नेक्स्ट क्या होता है, जो मेरा आउटपुट वाला सेल है उसमें हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे, ये जो मेरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वील हैव टू यूज ऑल द इनपुट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या सारे इनपुट्स को यूज़ किया है, किया है, नॉट नेसेसरी कि सारे इनपुट्स यूज हो, पर जो इनपुट जिससे मेरे को डील करना है वो इनपुट मेरे आउटपुट में यूज, यानी कि यहाँ पे सिर्फ टाइप नहीं कर सकते हम लोग 54100, नहीं, आउटपुट सेल का मतलब है आउटपुट कैसे आ रहे, इनपुट यूज़ करके आउटपुट आ रहे, तो ये इनपुट का इक्वेशन बनाए हम लोग सारे इनपुट्स का, ये क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा, सपोज कि मेरा सेविंग्स का टारगेट, मैं सेविंग्स का टारगेट इज 55,000, मतलब मैं सेविंग्स शुड बी 55,000, ठीक है, बाय चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस, और कुछ चेंज नहीं हो सकता, सारे फिक्स्ड अमाउंट्स है, अज्यूम कर रहे कि फिक्स्ड अमाउंट्स है, अदर एक्सपेंसेस हम चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो मेरे को क्या करना है, मुझे सेविंग्स का अमाउंट क्या चाहिए, 55,000 बाय चेंजिंग व्हाट, अदर एक्सपेंसेस, तो इनपुट क्या हुआ बताना, इनपुट क्या हुआ, अदर एक्सपेंसेस इनपुट है ना, और ये मेरा आउटपुट है, ये क्लियर हुआ अभी? अब यहाँ तुम लोग देखोगे कि कैसे कर रहे हैं और फिर खुद से ट्राई करना, साथ साथ में मत करना। डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, ठीक है, साथ साथ में मत करना। अब यहाँ देखो, सेट सेल, सेट सेल मतलब जो मेरा आउटपुट सेल है, सेट सेल का मतलब होता है जो मेरा आउटपुट सेल होता है, आउटपुट सेल सेविंग सेल्स है, आउटपुट सेल मेरा सेविंग सेल है ना, तो उस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, टू वैल्यू, इसको कौन से वैल्यू में चेंज करना है, 55,000, तो यहाँ पे टाइप किया 55,000, ये वाला सेल सिलेक्ट मत करना, 55,000 टाइप करना, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, बाई चेंजिंग व्हाट सेल, बाई चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस, क्लियर हुआ? क्या होगा बेसिकली, जो मेरा आउटपुट है सेविंग्स का उसको किस में चेंज करना है, 55,000 में, बाय चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस, क्लियर हुआ? अब बस सिंपली ओके, एंड मेरा देखना वैल्यूज चेंज हो गया, 4100 था ये, 3600 हो गया, एंड सेविंग्स 55,000 हो गया, क्लियर? अगर तुम लोगों को कॉपी करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये स्टेप्स तुम लोग कॉपी कर सकते हो, क्योंकि यहीं पे टाइप कर लेना, अब से हैबिट बनाओ कि जब एक्सेल क्लास में आ रहे हो तो जो भी कमेंट्स है कुछ भी है एक्सेल में ही टाइप करो, लिखना लिखने का ट्राई मत करो, बिकॉज तुम लोग को एग्जाम में भी टाइप करना पड़ेगा अपना कमेंट्स, ठीक है, तो ये लिखना है तो लिख लो, तुम लोग कर रहे हो क्या कॉपी ये चीज़, नहीं तो ठीक है कर लो कॉपी इसको। गोल सीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि CM1 CM2 हर जगह काम आएगा गोल सीक, ठीक है, ये सब कब हम लोग इसका अप्लाई करते हैं, इसको जब मुझे इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर करके देखना होता है कि आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। हुआ सबका आंसर, पहले टाइप कर लो इसे फिर करो आराम से।
डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सेट सेल में हम लोग डालते हैं आउटपुट सेल, टू वैल्यू में जो टारगेट वैल्यू है मेरा, बाय चेंजिंग जो मेरा इनपुट सेल मुझे चेंज करना है वो। अब अगर यहीं यहाँ पे तुम लोग ये सेविंग्स वाले सेल में डायरेक्टली टाइप किया होता ना मैंने, फाइव क्या था पहले, 5 4 समथिंग था, तो वो मैंने टाइप किया होता अगर, तो मेरा ये चेंज नहीं होता ऑब्वियसली, बिकॉज वो तो एक टाइप मैंने कर दिया उधर, वो आउटपुट सेल नहीं बोला जाएगा बिकॉज उसमें मैंने इनपुट यूज़ ही नहीं किया है ना। तो ये चीज़ हमेशा एग्जाम में भी सब लोग, मतलब क्लासेस में भी सब लोग करते हैं मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक करते हैं, आउटपुट सेल में उन लोग टाइप करते हैं, इनपुट यूज़ ही नहीं करते, तो उनको ऑब्वियसली गोल सीक अप्लाई होगा नहीं, राइट? करूँ, सबका आंसर मैच हो रहा है, सबका आंसर मैच हो रहा है, श्योर? किसी का नहीं, नहीं बात मारा हो क्या तुम लोग दोनों का? करो, क्या हुआ क्या? तो ऐसे क्यों मांग रहे पानी, मतलब दो इसको, दो जल्दी दो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा इसको। वो बॉटल पास कर दो, विकास जी फिल कर देंगे, रख दो, विकास जी फिल कर देंगे। मारेगा वो तुमको उठ के। अब सबका आ गया पक्का, पीछे आ रहे हो तुम लोग का आ गया? नहीं आया, ये तुम लोग टाइप कियो पूरा, यहाँ पे क्या यूज़ कियो पहले ये बताओ। सेविंग्स वाले में इनकम माइनस सम ऑफ ये पूरा कियो, कियो ये वाला चीज़, ठीक है। ये वाला क्या था मेरा, अदर एक्सपेंसेस 4100 था पहले, 4100 था मेरा, कितना आ रहा है सेविंग्स, 54500 है। आउटपुट क्या चाहिए मुझे, 55000 बनाना है इसे। कैसे बनाएंगे देखो, पहले देख लो, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सेट सेल में क्या जाएगा बोलो, बोलो तुम लोग, सेविंग्स वाला, ठीक है, टू वैल्यू 55000, बाय चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस, करो ट्राई। कर लिया, आया आंसर अभी तुम लोग का? फोन ना साइलेंट कर लिया करो क्लास में, रिंगटोन भी इतना अच्छा अच्छा लगाते हो। नेक्स्ट करें क्या, आ गया सबका? देखो नेक्स्ट टॉपिक, गोल सीख सीखा हमने, अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फ्रीक्वेंसी फंक्शन। ये CM1 में मे बी एक या दो बार ही यूज़ है, बट देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CM2 में काफ़ी यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्या होता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट फॉलिंग इन डिफरेंट। तुम लोग किए थे क्लास 12 में फ्रीक्वेंसी सीखे थे हम लोग मैथ्स में, कैसे निकालते फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं ना, 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं एक्सेल में वो सीखेंगे एकदम 1 मिनट में। रेंज अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना है, बस एक इक्वेशन डालना है मुझे एंड मेरा पूरा आउटपुट आ जाएगा। तुम लोग ये वाला प्लीज़ ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। उस दिन हम लोग ट्रांसपोज फंक्शन सीखे थे, दैट वॉज अ मेट्रिक्स फंक्शन, दिस इज़ ऑल्सो अ मेट्रिक्स फंक्शन, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखो तुम,
था, तुम किया है तुमने? हाँ, तुम कोई वीडियो मिस कर दिया क्या? सो गया था बीच में? नहीं, उसी तुमने कब का वीडियोस देखा है? नहीं, उसमें है ट्रांसपोज, ठीक है, सिखा देंगे, है नहीं सिलेबस में, बट इन लोग ने पूछा था तो ठीक है, लास्ट क्लास का ही है वो ट्रांसपोज, ठीक है, सब है, वाप हो सकते हैं। देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ ध्यान दो, ये वाला तुम लोग के पास टेबल है ना प्रैक्टिस शीट में, इसको खोल लो, या फिर एक काम करो, प्रैक्टिस शीट से कॉपी पेस्ट कर लो इस टेबल को। कैसे करते हैं टेबल को कॉपी पेस्ट? फर्स्ट सेल में जाके कंट्रोल ए, पूरा टेबल कॉपी सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट करो। कैसे पेस्ट करेंगे? सिर्फ एक सेल सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक ही सेल पे जाके कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करोगे तो पूरा पेस्ट हो जाएगा टेबल। पेस्ट कर लिया टेबल सबने? पेस्ट हो गया। अब देखो कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज़। ध्यान देना इधर, ये मेरा बर्थ रेट का कॉलम है, मुझे निकालना है कि कौन, मुझे बर्थ रेट का बेसिकली रेंज निकालना है, 0 से 10 के, अच्छा हम लोग 5 का ले रहे हैं, तो 0 से 5 के बीच में कितने कंट्रीज़ हैं जिनका बर्थ रेट इज़ बिटवीन 0 से 5, कितने कंट्रीज़ हैं जिनका बर्थ रेट इज़ बिटवीन 5 to 10, एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये जो टेबल बनता है, मैंने यहाँ पे ये ऐसे क्यों लिखा है और रेंज क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज़ अभी हम लोग देखेंगे इनपुट में, मुझे फ्रीक्वेंसी फंक्शन के इनपुट में मुझे इसी फॉर्म में चाहिए होता है। क्या हो रहा है बेसिकली, इसका मतलब है नंबर ऑफ कंट्रीज बिलो 0, तो ये तो 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ कंट्रीज बिटवीन 0 एंड 5, इसका मतलब है इस वाले सेल का नंबर ऑफ कंट्रीज बिटवीन 5 एंड 10, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल बनते हैं, कभी कन्फ्यूज मत होना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल बनते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ सबको कि क्या आउटपुट क्या आएगा मेरा, जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देना कैसे हम लोग करेंगे, तुम लोग एक काम करो, पहले इसे टाइप कर लो, इसे टाइप कर लो, एंड एक और चीज़, एक इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ध्यान देना, 5, 10, 15 इतना टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं सिंपली देख लो सब लोग, 0, 5, 10, ये मैंने टाइप किया, तीनों सिलेक्ट किया, तीनों सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग जो मेरा फिल हैंडल होता है, ड्रैग हैंडल होता है, वो आया, उसको सिंपली ड्रैग करेंगे तो वो रेंज में आ जाएगा, 5, 10, 15, 20 वैसे, ठीक है, करो। सेम चीज़ इज़ फॉर लेटर्स ऑल्सो, ABCD भी करोगे तो भी आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम लोग इतना चीज़ टाइप करो, फर्स्ट 3 टाइप करो, सिलेक्ट करो और फिर ड्रैग करो, नहीं ये टाइप करना है बस, ये मैं सिखा रही हूँ कि 5, 0, 5, ये जो मैंने इधर टाइप किया है इसका शॉर्टकट है ये टाइप करने को, नहीं वो कुछ और पूछ रहे हैं, वो बोले फ्रीक्वेंसी के लिए पूछ रहे हैं। हाँ फर्स्ट 3 तो टाइप करना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम भी कभी कभी सही हो सकते हैं। चलो पहले सिलेक्ट करना है फिर ड्रैग करना है, पहले ही ड्रैग मत कर देना, सब में 0 0 आ जाएगा, बहुत जन करते हैं ऐसा। हाँ 2 रखोगी तो मे बी वो 0 5 0 5 0 5 हो जाएगा। किए सब लोग ये ड्रैग किए ऐसे 0 to 50। नेक्स्ट करें कैसे निकालते हैं, अब यहाँ ध्यान दो, अब सब सबकी नज़रें ऊपर, देखो
जो मेरा आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट रेंज है, ये पूरा मेरा आउटपुट रेंज है, यहाँ पे आएगा मेरा पूरा फ्रीक्वेंसी। तो पहले पूरा सिलेक्ट करेंगे, जो मेरा आउटपुट रेंज है पूरा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला बाद में जाएंगे, पहले देख लो, ऐसे बच्चों के से एक 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 मत करो। फॉर्मूला बाद में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी फंक्शन टाइप किया मैंने, फ्रीक्वेंसी पहला क्या आ रहा है, डेटा आ रहे, मेरा डेटा क्या है, बर्थ रेट ही मेरा डेटा है, बर्थ रेट वाला कॉलम इज माई डेटा जिससे मुझे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है। तो सिंपली बर्थ रेट वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, बिन्स एरे। बिन्स एरे क्या होता है, जो मेरा एक्स वैल्यूज हम लोग बोलते थे मैथ्स में, एक्स इज माई एक्स वाला कॉलम जो होता था, और ये वाला एफ एक्स वाला कॉलम होता था फ्रीक्वेंसी टेबल। सो दीज आर माई एक्स वैल्यूज विच इज़ द बिन्स एरे, ठीक है, जिस फॉर्म में मुझे फ्रीक्वेंसीज एक्सट्रैक्ट करने हैं। अगर यहाँ पे 0, 10, 20 वैसे होता तो उसी अकॉर्डिंग आता, 0, 5, 10 वैसे दिया हुआ है तो उसी अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट आएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। ब्रैकेट क्लोज किया, ये क्या है, मेट्रिक्स फंक्शन। मेट्रिक्स फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया वैल्यूज, वैल्यूज आ गया सारा, ठीक है। अब एक चीज़ और, रुक जाओ, ख़त्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। तो ये वैल्यूज तो आ गया, पर पता कैसे चले, फ्रेंड तो है नहीं एग्ज़ाम में, मतलब सपोज करते कि फ्रेंड नहीं है एग्ज़ाम में, तो टोटल इसका हमें पता कैसे चलेगा कि ये सही है। सही है ये पता करने के लिए, इसका जो टोटल है, मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज है टोटल, वो मेरा फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए, है ना। तो एक बार काउंट करते हैं कितने कंट्रीज़ हैं हमारे पास, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हम, काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। 195 आना चाहिए फ्रीक्वेंसी का टोटल, चेक कर लो, टोटल ऑफ सम ऑफ पूरा फ्रीक्वेंसी टेबल, हाँ वो साइड में आ जाते हैं, 195 आ गया, तो ये सही है। एक चीज़ और, ये चीज़ क्या करते हैं, सब लोग गलती करते हैं, बीच में गए कुछ मन से चेंज करने का ट्राई किए, तो वो क्या होगा अब देखना, यहाँ पे देखना, सपोज कुछ चेंज करने गए तो एरर आएगा, और फिर ना तुम लोग समझ नहीं पाते ये एरर आ रहा है, अब क्या करे क्या करे, सिंपली एस्केप प्रेस करना पड़ेगा तभी तुम लोग निकल पाओगे, बिकॉज दिस इज़ एन पूरा एक मेट्रिक्स बन गया। बीच का कोई भी वैल्यू तुम लोग चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो एरर आते रहेगा, एस्केप प्रेस करोगे तो वो अपने आप हट जाएगा। अब आराम से ये चीज़ ट्राई करो, हेल्प मत करना एक दूसरे का, खुद से ट्राई करो। हाँ सम करना है, ये टोटल वाला मत सिलेक्ट कर लेना आउटपुट रेंज के लिए, पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, पूरा सिलेक्ट करना था, फर्स्ट स्टेप पूरा सिलेक्ट करके फिर फ्रीक्वेंसी फंक्शन, हाँ वो तो है, करो आराम से। आ गया सबका, मैच हो रहे आंसर्स, बहुत अच्छा, चलो प्रैक्टिस कर रहे हो डेली कि सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो। तुम लोग कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं कर रहे होगे, तो लास्ट क्लास, तो इस क्लास भी तो बोला है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, पूरा सिलेक्ट करना है कॉलम्स, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बार में टाइप करना है इक्वेशन पूरा, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, एंटर करोगे तो क्यूमुलेटिव ही आएगा, इसीलिए बीच में सोना नहीं चाहिए, या तो सो रहे हो तो स्टार्टिंग से एंड पूरा सो।
आया, आ रहा, तुम लोग का आया पीछे सबका, तुम्हारा आया, तुम लोग दोनों का, तुम्हारा और तुम लोग दोनों का आया। करे नेक्स्ट, आया भी कुशल, चलो नेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्लियर हुआ, इट इज़ अ मैट्रिक्स फंक्शन, हमेशा एक कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना, एंटर करोगे तो गलत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन भी यूज़ आता है CM1 के कोर्स में। ऑफसेट फंक्शन क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जनरली हम लोग अलग वे से यूज़ करेंगे इसको, जब हम इसको इसका एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, लोन शेड्यूल एंड ऑल में यूज़ आएगा। यहाँ पे क्या है देखो, ये मेरे पास 195 कंट्रीज़ है, मुझे हर 10th कंट्री का आउटपुट चाहिए, एज इन मुझे हर 10th कंट्री का नेम चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट कंट्री है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑस्ट्रिया, ये मुझे चाहिए। फिर जो नेक्स्ट 10th है इसके बाद वो चाहिए, तो ऐसे करके हर 10th कंट्री का नेम मुझे चाहिए, इंटरवल शुड बी 10 का। ये क्लियर हो रहा है क्या चाहिए मुझे, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ऑफसेट फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखना है यहाँ पे, समझना और फिर ट्राई करना खुद से। देखो पहले देख लो फिर करना। ऑफसेट यहाँ पे मैंने लिख लिया है ईज के लिए 10, 20, 30, 40, ठीक है। जनरली एग्जाम में या फिर जो हम लोग क्लास में करेंगे मे बी डिफरेंट हो, यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशंस डालना पड़े। क्या इक्वेशंस, सपोज हो सकता है कि 1 × 10, 2 × 10, 3 × 10, तो 10, 20, 30, 40 वैसे ही आएगा, तो ये भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो जब हम लोग करेंगे क्लास में और तब और क्लियर होगा, अभी फंक्शन क्या है वो समझ रहे हैं। ऑफसेट टाइप किया, ऑफसेट टाइप किया, फिर है रेफरेंस। रेफरेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करें और फिर नीचे जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, जो भी। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इज कंट्री नेम, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको सिलेक्ट किया। स्टार्टिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, मतलब अगर ड्रैग करेंगे तो क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट भी चेंज होते रहेगा ना। A3 रिलेटिव रेफरेंसिंग किया हुआ है मैंने, तो अगर ड्रैग करेंगे तो ये A3, A4, A5 होते रहेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, इसका मतलब है कितना नंबर ऑफ रोज मुझे मुझे नीचे जाने हैं, कितना नंबर ऑफ रोज मुझे नीचे जाने हैं, 10 नंबर ऑफ रोज नीचे जाने हैं, तो 10 सिलेक्ट किया, ठीक है। नहीं इसको नहीं एब्सोल्यूट करेंगे, इसको क्यों एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा, रेफरेंस सेल तो यही है ना, तो इससे पहले तुम 10 रो नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे इससे तुम 20 रो नीचे जाएगा, सो ऑन। ये फिक्स कर दिया ना इसीलिए मैंने, क्लियर। हाँ एक सेल, रेफरेंस सेल, रेफरेंस इज अ सेल, रेंज नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो ये रोज हो गया 10 रोज। कॉलम्स कितना राइट जाना है, यहाँ से कितना राइट कॉलम्स जाना है, 0, 0 ना। हाँ तो तुम सही बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, 0 कॉलम्स राइट जाना है, क्योंकि मुझे मुझे इसी कॉलम से आउटपुट चाहिए, तो इसीलिए 0 कॉलम्स राइट जाना है। ब्रैकेट क्लोज, बाकी का भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। एंटर किया, आया ऑस्ट्रिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, क्यों हमने 10 को एब्सोल्यूट नहीं किया, जब ड्रैग करेंगे A3 तो एब्सोल्यूट रहेगा, कंट्री नेम एब्सोल्यूट रहेगा, तो क्या होगा, पहले वो 10 रोज नीचे गया, ये J4 क्या हो जाएगा, J5, मतलब कि ये वाला 20 वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा, तो वो वहाँ से फिर 20 रोज नीचे जाएगा, फिर 30 रोज नीचे जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ ये चीज़, कुछ भी दिक्कत। क्या होता है ऑफसेट फंक्शन, एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कितना नंबर ऑफ रोज नीचे जाने हैं वो बताते हैं, कितना नंबर ऑफ कॉलम्स राइट जाने हैं वो बताते हैं, बस यही है। नहीं तुम यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकती थी रेफरेंस अपना, फिर यहाँ से नीचे जा सकते हैं, यहाँ से राइट जा सकते हैं, लेफ्ट नहीं जा सकते, ठीक है।
इसका क्वेश्चन सुनो, इसका क्वेश्चन सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए है कि ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है, क्या टेबल का लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए? नहीं, बस इसमें एक प्रॉब्लम है, रोज नीचे कितना जाने वो बताते हैं, ऊपर कितना नहीं वो नहीं, एंड कॉलम्स कितना राइट जाते वो बताते, लेफ्ट नहीं। ये क्लियर हुआ? रोज कितना नीचे जाते और कॉलम्स कितना राइट जाते, क्लियर हुआ? कोई भी दिक्कत पूछ लो अभी, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के 5-10 दिन पहले मुझे कॉल करके उन लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स की ऑफसेट सीखे हैं, उसके बिना भी चल जाएगा, तो अभी से अगर सीख के रखोगे तो बेटर है। ऑल दो कराते हैं क्लास में, बट स्टिल उस समय कोई ध्यान नहीं देता और बाद में फिर दिक्कत होता है। सिंपली ड्रैग करेंगे तो सारा मुझे कंट्रीज मेरा मिल जाएगा। मैंने खाली 190 तक किया है इसे, बिकॉज 195 कंट्रीज है, तो 200 में कुछ नहीं आएगा। इसको कैसे लिखेंगे? 10-20, सिमिलरली 10-20-30 लिखना, सिलेक्ट करके ड्रैग, ठीक है? करो, सब लोग ट्राई करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आंसर्स में भी मैच नहीं हो तुम लोग का, मे बी सॉर्टेड हो डेटा तो मैच नहीं हो सकता है, बट देन फंक्शन देख लेना सही लिख रहे हो। लिखा हुआ तुम ये A3 क्या सिलेक्ट किया? रेफरेंस है और क्या आ जा रहे हैं? 10-20-30, 10-20-30 वैसे आ रहे हैं। तुमने अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया, ड्रैग कर दिया सीधा सिलेक्ट कर। दिखो, छोड़ो, दिखो, यहाँ पे आया था, यहाँ पे क्या किया था तुमने, कैसे किया था? ऐसा कभी हो तो एक दो कम करके देख ले, 40 तक करके। कोई भी डाउट है इसमें अभी पूछो, अगर एग्जाम के 10 डेज पहले पूछे कि ऑफसेट जरूरी है कि नहीं, तो एकदम ब्लॉक कर देंगे। फिर उस समय मेरे को भी लगता है कि 10 डेज है, अभी कुछ बोलने से रो दोगे, ऐसे आके पूछते हो कि दीदी क्या करे क्या करे, करे क्या इसको, यही होता है सच्ची में। अभी भी बात है, एक दो जन ऐसे आके पूछ रहे थे। आया सबका आंसर्स? में भी तुम लोग अगर सॉर्ट कर रखे हो अपने डेटा या कुछ चेंज कर रखे हो तो नहीं मैच हो, पर इक्वेशन देख लो सही होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? सबका क्लियर है? बस अब एक एक और चीज़ सीखेंगे, फिर हम लोग लास्ट क्लास का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। डेटा टेबल्स, डेटा टेबल्स क्या होते हैं? डेटा टेबल्स कभी यूज़ नहीं आएगा CM1 में, एक फीचर है, सीख के रखते हैं एक्सेल का। उससे पहले एक काम करो, ये टेबल बना लो, इतना कलरफुल बनाने का ज़रूरत नहीं। अगेन, अगर तुम लोग कुछ जानने कि मैंने कैसी की एडिटिंग, वो बता सकती हूँ मैं। ये क्या किया तुम लोग बताओ? ये कर चुके हम लोग, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। ये क्वांटिटी वाला जो है मेरा, ये भी मर्ज एंड सेंटर है, बट ये मेरा ऐसे वर्टिकली लिखा हुआ कैसे आ रहा है? मैंने होम टैब में यहाँ पे देखना, वर्टिकल टेक्स्ट किया ऐसे, ठीक है? वर्टिकल टेक्स्ट किया है। सारा एडिटिंग जो होता है ना, वो सारे होम टैब से होते हैं, तो इसे मैंने वर्टिकल टेक्स्ट कर दिया, तो ये वर्टिकली आ गया, वरना ऐसे लिखा हुआ आता, वर्टिकली आ गया, ठीक है? बाकी और कुछ कलरिंग तो तुम लोगों को पता है कैसे करते हैं, कर लो। क्वांटिटी 5 से लेके 100 तक है, बना लो जल्दी से।
फोन नहीं उठाएगा तो न्यूक्लियर डील रुक जाएगा तुम्हारा। अब से फोन यहाँ पे डिपॉजिट होगा सबका। एग्जाम में नहीं होता है वैसे, डिपॉजिट करना पड़ेगा। सिर्फ मम्मी का फोन उठा सकते हो और किसी का नहीं। बना लो जल्दी ये वाला टेबल। हाँ जो डेली आएगा उसे एंड में पिज़्ज़ा पार्टी, हम लोग जाएंगे डोमिनोज, हम लोग किए थे ना वैसे करेंगे। इससे पूछिए ये थी, ये बहुत अच्छी रेगुलर स्टूडेंट है। देखते तुम लोग कितने दिन तक रेगुलर चलते हो। तुम कैसे कर रहे हो? देखो सिंपली, पहले तो ये सारा सेल सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, ठीक है? फिर यहाँ पे टाइप किया क्वांटिटी, टाइप किया, फिर वर्टिकल टेक्स्ट। अब वर्टिकल टेक्स्ट के बाद भी तुम लोग इसे बीच में ला सकते हो। देख लो बीच में कैसे लाओगे। देखो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज करो, वर्टिकल करो, 100। हो गया सबका, ये बन गया? नहीं, तुमको दिखाने के लिए था। पहले सिलेक्ट किया सेल्स, मर्ज एंड सेंटर किया, अलाइनमेंट चेंज किया, यहाँ से सेंट्रली अलाइन किया उसे। सारा मिल जाएगा होम टैब में, ठीक है? किसका किसका बन गया, हाथ उठाओ। सबका बन गया बस एक को छोड़ के। मारा बन गया, माँ बन गया, खुशी का नहीं बना। बनाओ, कहाँ है वो डायरी? पास करते रहो लिख के अपना नाम। नहीं, टाइटल भी लिखना था, नहीं लिखा? हाँ, क्योंकि तुम्हारा क्या नाम है? हर्ष चौधरी। और तुम? श्रेया जलान।
को एक्चुअली थोड़ा टाइम, ये तो कुशल, स्नेहा, पलक, सिद्धार्थ, आर्यन, आर्यन, सब आर्यन लोग ऐसे ही होते क्या? एक और आर्यन है वो भी तुम्हारे जैसे ही है, थोड़ा वियर्ड। आर्यन, मयूर, नंदिनी, फिर पीछे उन लोग का पता है मुझे, आर्या, खुशी, मुस्कान, रिधम, रीतम, ओ रिधम, बन गया अभी खुशी तुम्हारा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना सब लोग, डेटा टेबल्स क्यों यूज होता है। मेरे पास प्राइस है, प्राइस है, क्वांटिटी है, और डिस्काउंट, मतलब बेसिकली सेल्स वैल्यू निकालना है। अगर तुम लोग एग्जैक्टली ये बनाए हो ना, एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पे एक सेल खाली चाहिए मुझे सेल्स वैल्यू के लिए, और फिर यहाँ से मुझे प्राइस का चाहिए रेंज, एंड यहाँ मुझे क्वांटिटी का रेंज चाहिए। तो क्या होता है ना, सपोज कंपनीज अगर बहुत सारे सिनारियोज में से कुछ सिनारियो उन्हें टेस्ट करना होता है, सारे सिनारियोज को साथ में, तो हम लोग डेटा टेबल्स यूज़ करते हैं। क्या होता है इसमें, मुझे प्राइस दिया हुआ है, करंट प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, और डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट एज इन हम लोग कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरा सेल्स वैल्यू कैसे निकलेगा, प्राइस बोलो इनटू क्वांट, क्लास 7 का मैथ चाहिए, आगे इनटू 1 माइनस डिस्काउंट होगा ना, ये होगा क्या मेरा सेल्स वैल्यू। प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है सेल्स वैल्यू, इनटू 1 माइनस डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी जितना भी आएगा उसका 90% ही तो मिलेगा मुझे, 10% तो मैंने डिस्काउंट कर दिया, तो 1 माइनस डिस्काउंट, यही होगा क्या, यही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पूरा इक्वेशन लिखा अपना सेल्स वैल्यू का, लिख दिया। अब मुझे बहुत सारे रेंज दिए हुए हैं प्राइस के और क्वांटिटी के, तो ऑब्वियसली हर एक में फॉर्मूला टाइप करके आउटपुट निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा टेबल यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे ध्यान दो, फिर खुद से करना। फर्स्ट स्टेप, सारा आउटपुट, ये पूरा मेरा आउटपुट रेंज प्लस द इनपुट कॉलम्स सबको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे द फर्स्ट सेल शुड बी योर फॉर्मूला सेल, जहाँ पे मैंने पूरा अपना फॉर्मूला लिखा है। क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ पे मेरा प्राइस के वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मेरे क्वांटिटी के वैल्यूज़ हैं, ये भी क्लियर हुआ। अब देखो क्या करेंगे, डेटा टैब, व्हाट इफ डेटा टेबल। यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग कंफ्यूज होते हैं जनरली। यहाँ पे रो इनपुट सेल, मेरा रो दो इनपुट्स हैं यहाँ पे, प्राइस और क्वांटिटी चेंज हो रहा है। डिस्काउंट हम नहीं चेंज कर रहे, डिस्काउंट हम कांस्टेंट रख रहे हैं 10%, ठीक है, डिस्काउंट हम 10% रख रहे हैं। हम क्या चेंज कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी चेंज कर करके देख रहे हैं मैं सेल्स वैल्यू कितना आएगा। तो दो इनपुट हुआ प्राइस और क्वांटिटी, रो इनपुट सेल कौन सा हुआ मेरा, रो इनपुट सेल, प्राइस इज माई रो इनपुट सेल, क्योंकि ये मेरा रो है ना, सो दिस इज माई प्राइस इज माई रो इनपुट सेल। तो हम प्राइस वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, प्राइस वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। कॉलम इनपुट सेल कौन सा होगा, ऑब्वियसली क्वांटिटी, ये मेरा कॉलम है, ये मेरा कॉलम है, तो मैंने क्वांटिटी सिलेक्ट किया। सिंपली ओके करो, पूरा वैल्यूज पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करो। रो इनपुट में क्या डालोगे, जो मैंने रो में लिखा है। कॉलम इनपुट में क्या डालोगे, जो मेरे मैंने कॉलम में लिखा है, पूछो। वो तुम पे डिपेंड करते हैं कि तुम्हें किस अकॉर्डिंग, यहाँ पे 10 से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई डिफ, वो ये नहीं है कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, वो चीज़ नहीं, नहीं 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 क्या पता चलेगा, एक्सेल को पता चल गया ना, रो इनपुट सेल मैंने बता दिया, कॉलम इनपुट सेल बता दिया। यहाँ पे तो एक्सेल को क्या पता चलेगा कि प्राइस 25 है वैसे, रो इसीलिए तो रो इनपुट में क्या डालें, प्राइस, तो प्राइस वाला सिलेक्ट किए,
बताने के लिए तो सिलेक्ट की कि रो इनपुट में प्राइस डालें और कॉलम इनपुट में क्वांटिटी डालें, ठीक है? करो, बाप रे इतना क्यों बात हो रहे है? कर लिया तुम क्या मेरे साथ साथ करते ना? डिसोबीडियंट करो, देखो नहीं सुनी, वो पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। कहाँ पे मिलेगा डेटा टेबल? व्हाट इफ डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस। डेटा टेबल में गए, यहाँ पे रो इनपुट में क्या डालोगे? रो में क्या इनपुट है मेरा? ये मेरा रो है, प्राइस है, तो प्राइस वाला सेल की सिलेक्ट किया, ये वाला सेल, ठीक है? उसके बाद कॉलम इनपुट में क्या है मेरा? क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी सिलेक्ट किया, फिर ओके, तो पूरा टेबल फुल हो जाएगा। देखना एक बार यहाँ पे, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया है, मैंने अगर टेबल की कोई भी आउटपुट की कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आ रहा है? दिस इज ऑल्सो अ मेट्रिक्स फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी एक को चेंज नहीं कर सकते हम लोग, करोगे कुछ भी चेंज तो एरर आएगा, एस्केप प्रेस कर देना। करो, सब लोग ट्राई करो आराम से, ये आज का लास्ट है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास का असाइनमेंट। पहले ये करो, अभी पहले ये करो, देखो ऐसा कलर कभी करके मत आना एग्जाम में, देखो क्या दिखाया आप? ऑफसेट दिखाओ, हाँ तो इसमें पहले पूरा ये रेंज सिलेक्ट करते हैं या फिर नहीं कोई भी एक्सेल? रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं, कंट्री नेम इज माय रेफरेंस। नहीं मतलब पहले ऑफसेट तो कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला। हाँ, ये मैट्रिक्स फंक्शन नहीं है, हुआ सबका? सबका हुआ ना? श्योर करे, अभी हम लोग लास्ट क्लास का असाइनमेंट डिस्कस, इसके बाद नहीं, अभी और नहीं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास का लास्ट क्लास का असाइनमेंट ही डिस्कस। सब लोग करके आए हो ना? वी लुकअप, एच लुकअप, एच लुकअप नहीं था उसमें, इंडेक्स मैच मैच था, क्या था? सिर्फ हाँ शीट टू, ठीक है स्टार्ट करते हैं।